हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं भिंडी की सब्ज़ी बनाने के लिए खेत जा रही हूँ। और ये देखिए हमारे खेत में कितनी अच्छी भिंडी लगी हैं। अब हम लोग मिलकर भिंडी तोड़ लेते हैं। भिंडी हमारी बहुत अच्छी और बहुत ही मुलायम है। जितनी हमें भिंडी की ज़रूरत है मैं उतनी भिंडी तोड़ लेती हूँ। ज़रूरत के हिसाब से हमने भिंडी तोड़ ली है। अब मैं इन भिंडी को धो लेती हूँ। भिंडी को मैं अच्छे से धोऊंगी। भिंडी को हमने धोकर साफ कर लिया है और भिंडी को सूखने के लिए 2 घंटे तक रख देती हूँ। जब भिंडी अच्छे से सूख जाएंगी तभी हम इन्हें काटेंगे। भिंडी हमारी बहुत अच्छे से सूख गई हैं, अब मैं इन्हें काट लेती हूँ। और ये हमने भिंडी और प्याज काट लिया है, अब मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। और ये हमने हरी मिर्च काट ली है। सबसे पहले मैं जीरा डाल देती हूँ, अब मैं इसमें हरी मिर्च डाल देती हूँ। हरी मिर्च हमारी पक गई है, अब मैं इसमें प्याज डाल देती हूँ। प्याज को हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, प्याज को मैं हल्का ही ब्राउन करूँगी। आप लोग देख सकते हैं प्याज हमारा हल्का ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें कटी हुई भिंडी डाल देती हूँ और कटी हुई भिंडी और प्याज को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और अब मैं सब्जी को ढककर पका लेती हूँ। भिंडी की सब्ज़ी हमें धीमी आंच पर पकानी है, ज़्यादा तेज़ आंच पर नहीं पकानी है। और थोड़ी थोड़ी देर में मैं इसे चलाते रहूँगी। जब भिंडी पक जाए तब मैं इसमें नमक डालूंगी, मैंने अभी नमक नहीं डाला है। और भिंडी को चलाते हुए पका लेती हूँ। सब्जी हमारी पक गई है, अब मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देती हूँ। नमक डालने के बाद मैं भिंडी को थोड़ा और पका लेती हूँ। भिंडी की सब्ज़ी हमारी पक गई है। आप लोग देख सकते हैं भिंडी की सब्ज़ी हमारी कितनी अच्छे से बन गई है। इसे हमने लोहे की कढ़ाई में बनाया है इसलिए थोड़ा काली है। आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके